तो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और दीद तो जा चुके हैं अपने जॉब पे और कहते हैं गुगारी सो रही है कि बस वो रनिंग कर कर आए थे तो अपना, और आज ब्रोनो की वैक्सीनेशन लगवानी है। वैसे तो 2 दिन पहले लगवानी थी पर हमारे यहाँ काफी दिन से बारिश आ रही थी बहुत ज्यादा, पर आज काफी अच्छा वेदर है। मैं दिखाता हूँ आपको, आज काफी अच्छा वेदर हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया वेदर हो रहा है, बिल्कुल बारिश नहीं है। वैसे बताओ तो नहीं कि शायद आएगी बारिश, मैंने देखा था ऑनलाइन। पर चलो अपना फटाफट, मैं अपना बस ब्रेकफास्ट करा था अभी। ब्रेकफास्ट में दलिया, ये तो सो रहा है अभी, गगूस रूम में सो रहा है, और मम्मी भी दलिया खा रहे हैं, ब्रूनो वहाँ नीचे बैठा है। तो अपना बस फटाफट दलिया खाता हूँ और फिर ब्रूनो की वैक्सीनेशन लगवा के आता हूँ। और आज मैं कुछ और यूनिक करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रैंक का चैनल भी बनाया है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि गग्गू या कारी में से किसी एक पे आज प्रैंक करूंगा। मैं देखता हूँ गाइस, जो भी होगा जैसे भी होगा आप सबको बता दूंगा मैं। तो हाँ जी गाइस, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं दोनों को भी चेक करके आया, दोनों एक अच्छी नींद में अभी, तो अभी तो प्रैंक नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ मैं दोपहर में करूँगा, जब दोपहर में सोएंगे ना तब करूँगा। मतलब कारी भी अभी आराम से सो रहा है, अगर ये अच्छी नींद में, मैं भी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। तो फेस हो रहा है बड़े नाम से, कारी ओ कारी 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 ओ ओए अरे गाइस, उठ रखा है ये, तो पहले ब्रूनो के इंजेक्शन लगवाते हैं, दोपहर में देखेंगे प्रैंक का। अच्छा कारी उठ जा यार, वो ब्रूनो के ना वैक्सीनेशन लगवा के लानी है, सुन चल खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा। तो गाइस ऐसे ही सो गया था बिल्कुल, ये देखो हैंड स्लीप वगैरह सारा, ये रनिंग करके यार ऐसे ही सो गया। चलो तो फटाफट अपना बस को उठाता हूँ और ब्रूनो के वैक्सीनेशन लगवा के लाता हूँ। और वो जो मैंने आपको बताया वो अभी डील नहीं करना पड़ेगा, पर करेंगे जरूर आज, बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी गाइस, कारी उड़ तो गया है, पर ये कह रहा है पहले मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा के जाऊंगा। और देखो कैसे ये मोटर की तरह लेट के खाना खा रहा है, और भाई सीधा के खाना खा, कैसे खा रहा है ये, नहीं लग रहा तेरे बुर्ज की आज, इसको पता नहीं है इसको बुर्ज करना अच्छा लगता नहीं है। तो हाँ जी गाइस, कारी ने खाना खा लिया है और फाइनली कारी भी रेडी हो चुका है, मैं रेडी हो चुका हूँ। तो बस चलते हैं फटाफट और ब्रूनो की वैक्सीनेशन लगवा आते हैं। हाँ जी गाइस, अभी पैसे निकलवाने हैं, यहाँ एटीएम पे रोका है, तो भैया पैसे निकलवाएगा। हाँ जी गाइस, पैसे निकलवा लिए हैं, अब चलते हैं। हेट को थी तंग गया, ये टंग चुका है। जाओ भाई पूछ के आओ, अभी हमें लग रहा है शायद ये बंदा है, तो भैया पूछने गया है। ये घूम ही नहीं रहा, इस अनजान सी जगह लग रही है। हालांकि ये 2 बार आ चुका है, पर फिर भी सुनो तो बेइज्जती कर। तो हाँ जी गाइस, ब्रूनो के लगवा दी है वैक्सीनेशन और उसके लिए मैंने कैल्शियम बॉन्ड फिर ले लिया है, कि घर में सारी चप्पल जूते सब काट देता है तो उससे तो राहत मिलेगी। तो अब चलते हैं फटाफट हम घर। तो हाँ जी गाइस, हमारे घर के पास यहीं पर एक खाली प्लॉट है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है खाली, तो यहीं इसको ब्रूनो को हम सोच रहे हैं घुमाने के लिए यहीं पर लाया करेंगे। मतलब यहाँ गली के कुत्ते हैं सारे, इसको भौंक रहे हैं, तो बस यहाँ से आगे जाके वहाँ गली ना, वहाँ से लेफ्ट मुड़ के हमारे घर आ जाता है, पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी इसको मैं कहीं इंजेक्शन तो लगवा लेते, मैं यहाँ थोड़ा इसको आदत डालते हैं घूमने की, तो इनसे डर रहा है अभी। तो वैसे ही कौन ही आदत पड़ जाएगी, इसको रोज लेके आए करेंगे, उसको थोड़ी देर घुमा के फिर घर ले जाएंगे अभी। तो हाँ जी गाइस, घर आ चुके हैं और इसने वहाँ कुछ भी नहीं किया, इनको घर की आदत हो गई है। चलो कोई नहीं, इसको रोज ले जाएंगे फिर इसको आदत हो जाएगी। तो बस मैंने इस पर आकर भी पानी डाला, सॉरी पानी दिया इसको, तो इसने पानी पी लिया और गग्गो अब उठा है, देखो हम आए हैं। चलो थक गया था काफ़ी रनिंग करने, 4 बजे गया था रनिंग के लिए और 6 साढ़े 6 बजे तक आया था,
तो मैं इसके लिए कैल्शियम भी लेके आया, उसको देता हूँ। नए वाले लाया हूँ, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा इस बार। नहीं तो उंगली खाता है बस, तो शांत बैठा है बिल्कुल। तो हाँ जी गाइस देखो, मैंने ना पैकेट अभी बस खिलाया था, और ये पैकेट की ना देखो ये पैकिंग की आवाज सुन के आ गया था, कितना खुश हो रहा है। ब्रूनो खाएगा भी नहीं खाएगा, जल्दी नहीं नीचे बैठ जाओ, आराम से दूंगा अभी। हाँ जी गाइस, मम्मी देखो हमारे ब्लॉग देख रहे हैं पिछले, तो इसको दे देता हूँ। ले बुनी लग रहा खा लेगा, अभी तो सूंघ रहा है, पता नहीं कैसा लगे कैसे। ये देखो ले गया, देखो भाई कहाँ जा रहा है, तो पता नहीं कहाँ लेगा, अब आराम से बैठ के खाएगा। हाँ जी गाइस देखो, ये वाली चप्पल है, ये भी ब्रूनो ने काट दी, और चलो ये तो काटी सो काटी। और इसने ना मेरा, ये देखो ये कितना अच्छा प्लान था, ये मैंने लगाई थी कलम, बस यही कलम हो गई थी और कोई कलम हुई नहीं थी, बाकी सब सूख गई थी। तो कल बारिश आ रही थी, गुगु ने नीचे रख दिया, और देखो इसने साले ने ये सारा काट दिया, देख लो। बड़ा दुख रहा यार, बड़ी मुश्किल से तो ये कलम हुई थी, बड़ी मेहनत से लगाई थी मैंने, काफी केयर कर रहा था इसकी मैं, और उसके हल्के हल्के पत्ते अभी भी रह रहे हैं, शायद हो ही जाए, पर यहाँ पूरे में बहुत अच्छे पत्ते आ गए थे। तो इस महाशय ने काट दिया, इतने शांत से बैठा और अपनी यहाँ खा भी गया, देखो ये बोन। हाँ जी भाई साहब, क्या चक्कर है भाई मेरे, यार चप्पल चुप्पल तो काट रहा है यार, तो मेरे पौधे भी काटी जा रहा है यार, क्यों काट रहा है भाई, क्यों काट रहा है, गंदे लड़के हैं, क्या बोले बताओ इसको, गमले भी नहीं छोड़ता ये। तभी उसके लिए मैं बोन लेके आया कि थोड़ी इसकी आदत शायद ठीक हो जाए, पता नहीं कब होगी ठीक। तो हाँ जी गाइस, आज ब्रूनो को नहला दिया है 4-5 दिन बाद, और उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, गुग्गू उसको बाथरूम में अंदर बंद करके फिर नहलाता है, तो ये मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया। ये देखो रब साफ हो गया काफी। ब्रूनो ओए देख इधर, तो चाट रहा है अपने आप को, इसको बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि सारे में पानी पानी कर देगा, ये होता है ना हिल के कुत्ते ऐसे, ये झंझन आ गए करते हैं, पत्नी क्या करते हैं वैसे, इसको बाहर ही बैठने देते हैं, ये ऊपर आ जाए, नहीं बैठ जाएंगे, बैठ जा ब्रूनो। तो हाँ जी गाइस, अभी शाम के 5 बज गए हैं, और जो प्रैंक मुझे काली और पे करना था वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये सारे दोनों में से कोई सोया ही नहीं। मैं सोचा था कोई एक भी सो जाएगा तो दूसरे के साथ मिलकर प्रैंक कर दूंगा, पर ये सोया ही नहीं, क्योंकि इसे लग रहा पता चल गया था, मैं मम्मी के ना कान में बोल रहा था, तो इसे पता चल गया था, कभी पता चल गया था ना। अरे वो कैसे कर रहा है यहाँ पे भाई, अरे भाई सही कैसे कर रहा था, खुद जो कितना आ रहा है। तो बस अभी मम्मी सेटिंग कर रहे थे, तो दीदी का ये जितने भी कपड़े हैं दीदी के ना, इस कपड़े में बक्से में डाल देते हैं मम्मी, बस मम्मी ने सेट करके लगाए हैं, और तो कितने सारे कपड़े हैं कमली के पास, फिर वो बोलते मेरे पास कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। इन लड़कियों को पता नहीं इतने कपड़े क्या करने होते हैं, रोज नहीं क्या करने, तो कितना बड़ा बक्सा सारा उसके कपड़े से भर रहा है। चलो कोई नहीं, देखो ब्रूनो भी देखो अभी सो रहा था, मैं जैसे ही अभी जैसे मैं वीडियो में लगा तभी उठ गया, ये दोपहर में शरारतें करता है, अभी शाम के 5 बजे देखो सोने लग रहा है, कितना शरीफ मासूम मासूम। तो अभी उसको अभी चाय बना रहे हैं, कि चाय पी के जाना है अपना, थोड़ा कांटे लेके आने हैं, कंडे है ना जो, क्योंकि ऊपर मैंने आपको दिखाया था जो पौधे वो सारे ब्रूनो खराब कर देता, तो काफी अच्छे हो रहे थे वो, मैं भी अभी देख के आया थोड़ी देर पहले, तो मैं कंडे लेके आ जाता हूँ, तो उसमें कंडे गिरा दूंगा, वरना ब्रूनो कभी ऊपर चला गया ना सब वो खेड़ देगा, और कुछ एक दो बीज मैंने और रखना है, तो बस मैं अभी चाय पीता हूँ और मैं और करी जाके ले आएंगे। अभी अच्छा मौसम हो गया शाम का, और मैं कंटे भी ले आया हूँ, देखो ये रे। तो और फटाफट ये कुछ बीज है मेरे, ये धनिया वगैरह का है, और ये कुछ बेल है, और ये बीज उड़ गए यार, और ये लौकी और उसके बीज है टिंडे के, ये भी लगा देता हूँ मैं फटाफट। नमस्ते अंडी जी, अच्छा आपने डाल रखी है, तो सारे में लगा देते हैं, कुछ मैंने इसमें से पुदीना भी लगाना था, चलो कोई नहीं पुदीना इसके ना लगा दूंगा साइड साइड में। क्या कर रहे हो, इधर कर ले हो, उधर कर ले हो। बड़ा प्यारा है गाइस, क्यूट है छोटा सा, पता नहीं क्या बोलता रहता है, इधर को लो उधर को लो।
काफी अच्छा मौसम होगा इसलिए आराम से खेल रहा है। इसको सरदार बनाएंगे भी, थोड़े से इसके लंबे बाल है। और देखो कहाँ, देखो अभी हम थोड़ा सा काम करें फिर देखेंगे। हाँ जी गाइस, पौधे सारे लगा दिए हैं और मेरे पे कुछ ग्रीन बैग्स भी पड़े थे तो मैंने इसमें मिट्टी डाल दी। इसमें भी कुछ लगा दूंगा मैं, तो अभी तो थोड़ी इसमें मिट्टी कम है। तो और अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश भी आने वाली है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है अभी, तो कल ही आएंगे मिट्टी। तो पौधे मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से लगाए यहाँ पे। इस पर तो मैंने धनिया लगा दिया जैसे आपने देखा, और ये मैंने कुछ करेले की बेल लगाई है 3-4, ये मैंने अभी लगाई है। और यहाँ पर ना ये लगा दी मैंने तोरी की बेल, इसमें लगा दी तोरी की बेल, और इसमें कुछ तोरी के बीज भी डाल दिए हैं, और यहाँ ये टमाटर भी लगा दिए हैं। और जिसे मैं तोरी की बेल समझा था ये लौकी की बेल थी। चलो बढ़िया, ऐसे लौकी भी हो गई है। तो बस गाइस अपना कंडे वो पड़े, कंडे भी गिरा देता हूँ क्योंकि ब्रूनो सब काट लेगा ना। कंडे गिरा देता बहुत जरूरी है, वरना ब्रूनो सब काट देगा। तो पता नहीं क्या मजा आता है काट। तो हाँ जी गाइस, कंडे ही मैंने लगा दिए सारे में, और कुछ तो मुझे भी लग गया, बहुत तीखे कंडे हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिए लाइक, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना ना जाइए गाइस। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और दिल भी जा चुके हैं अपनी जॉब पे, और गगुवारी तो सो रहे हैं। क्या ये यहीं कर रखा है पीछे ना।